हुकूमत या अपोजिशन, पार्लियामान में संडे सरप्राइज किसको मिलेगा? फजलुर रहमान की रिहाइश का नामालूम मकाम पर सरगर्मियां तेज। हुकूमत मुतालिक इदारों और कौमी असेंबली सेक्रेटेरियट ने अदलिया से मुतालिक आईनी तरामीम का बिल आज इतवार को पार्लियामान में पेश करने का फैसला कर लिया। अदालती असलाहत, हुकूमत या अपोजिशन, पार्लियामान में संडे सरप्राइज किसको मिलेगा? वफाकी दारुल हुकूमत में अरकान पार्लियामेंट की सरगर्मियां क्या असर आईयां? दावे शब भर जारी रहे। यादश बखैर आईनी तरामीम के लिए दोनों ऐवानों में दो तिहाई अक्सरियत लाजमी है। इस हवाले से तफसीलात के मुताबिक आईनी तरामीम मंजूर कराने के लिए कौमी असेंबली में दो तिहाई अक्सरियत के लिए 224 अरकान के वोट्स दरकार हैं, जबकि कौमी असेंबली में हुकूमती अरकान की तादाद 214 है। तरामीम मंजूरी के लिए कौमी असेंबली में हुकूमत को मजीद 10 वोट दरकार हैं। सेनेट में हुकूमती इत्तेहाद को 60 अरकान की हिमायत हासिल है और सेनेट का ऐवान 96 अरकान पर मुश्तमिल है, जबकि मौजूदा अरकान की तादाद 85 है। सेनेट में दो तिहाई अक्सरियत के लिए दरकार वोटों की तादाद 64 है। सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की नशिस्तें खाली हैं। मौजूदा सूरत हाल में सेनेट में दो तिहाई अक्सरियत 64 अरकान की बनती है, जबकि हुकूमती अरकान की तादाद 60 है। हुकूमती सेनेटर्स और अरकान कौमी असेंबली को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत की गई है। ज़राए का कहना है कि हुकूमत ने तमाम तरामीम बराह रास्त मंजूर कराने की हिकमत अमली पर गौर किया है। हुकूमती हलकों का दावा है कि नंबर्स पूरे हैं। इस हवाले से हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब तक वजीर आजम हाउस पार्लियामेंट लॉजिस मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का और बाज मालूम मकाम पर भी इस हवाले से सरगर्मियां जारी रहीं। खास तौर पर इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का, जहां हफ्ते की शब वजीर कानून आजम नजीर तारड़ और वजीर दाखला मोहसिन नकवी के मौलाना से तवील मुलाकात और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमाओं के एजाज में पुरतायोश आया, जिसने उनकी तवाज़ो बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के रिवायती खानों के अलावा दम पुख देसी मुर्ग की यखनी के साथ की गयी। इस ज़ियाफ़त के इंतजार में पीटीआई के रहनुमाओं को खासी देर तक इंतजार करना पड़ा, क्योंकि हुकूमती टीम के दोनों वज़रा मौलाना फजलुर रहमान से मुज़ाकरात में मसरूफ थे, जिसके बाद पीटीआई के रहनुमाओं ने उनकी मौजूदगी में मखल होना मुनासिब न समझा।